मजा नहीं है। लगाना डिफरेंट। एक्चुअली आजकल हम एक एक्सपेरिमेंटल जोन में हैं। हमें लगता है कि बहुत दिन हो गए यहां से बैठे बैठे आपको ज्ञान देते हुए, ये कॉर्ड लगा लेंगे, ये गाना प्ले कर लेंगे। जब भी आपसे मिलने का मौका मिलता है यूट्यूब लाइव में या फिर कोई वर्कशॉप में, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो ये होता है कि सर कौन सा गिटार खरीदें, कौन सा गिटार बेस्ट गिटार है, हमारा बजट ये है, कौन सी कंपनी का गिटार बेस्ट गिटार होता है। तो हमें लगा इस क्वेश्चन का जो जवाब है ना, आपको बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाना चाहिए। तो आज हमने आप लोगों के लिए प्लान की है एक एक्चुअल म्यूजिक स्टोर ट्रिप। हम वहां जाएंगे, सारे गिटार के टाइप समझेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए कौन सा गिटार बेस्ट है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको म्यूजिक सीखना है तो फ्रंट रो सबसे बेस्ट है। दिस इज फ्रंट रो, माय नेम इज अक्षय, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। फाइनली वी हैव रीच टू द स्टोर। देखिए, गिटार सीखना एक लंबी जर्नी है। गिटार क्या, म्यूजिक में सब कुछ चीज़ें टेक्स टाइम। तो अभी यहाँ जयपुर में पारा हो रहा है 44 degrees, बट फिर भी हम आपको सिखाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हमें पता है कि टेक्स टाइम एंड रेजिलियंस। तो चलिए स्टोर में देखते हैं क्या होता है। क्या हाल है ऋषि भैया? अरे मस्त अक्षय भैया, कैसे हैं? बस बढ़िया यार। और बताएं? कुछ नहीं यार, एक वीडियो है, हमने वैसे तो पहले बना दिया है वीडियो कि गिटार कौन कौन सा परचेज करना चाहिए, बट आज है ना थोड़ा सा हम एक फाइनल आंसर की तलाश में हैं कि जब भी कोई बंदा पहली बार गिटार परचेज करना चाहता है तो क्या क्या क्राइटेरिया ध्यान में रखने पड़ते हैं उसमें, बेसिकली आपको क्या चाहिए? नहीं देखो, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सब लोग है ना लाइव में हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये वाला मॉडल सही है क्या, सर ये वाला अमेजोन पे इतने का गिटार मिल रहा है ले लूं क्या, उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस आज के वीडियो के थ्रू, आपके कॉन्वर्सेशन के थ्रू, क्योंकि आपको आप इसको आपको है, मैं कह सकता हूँ कि इस इंडस्ट्री में सालों हो गए हैं, तो आप हमें एक बेसिक इनसाइट दे पाओगे कि भाई पहला गिटार जब परचेज करो तो मिनिमम ये क्राइटेरिया ध्यान में रखो। बहुत अच्छी चीज है, अपन करते हैं। चलो तो आ जाओ गिटार सेक्शन में। मेरा नाम है ऋषि शर्मा, मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टोर का ओनर हूं। 22 साल का मुझे इस फील्ड में एक्सपीरियंस है और गिटार के बारे में काफी कुछ नॉलेज है। तो ऋषि भैया, अभी जैसा कि मैंने आपको वहां पे भी यही बात बोली कि हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आते हैं कि सर मैं एक बिगिनर हूं, मैं एक गिटार परचेस करना चाह रहा हूं, तो मेरे कितने का गिटार परचेज करूँ, या कोई पर्टिकुलर मॉडल का नाम आ जाता है कि भाई ये वाला गिटार सही है क्या सर। तो गिटार परचेजिंग को लेके अगर मैं फर्स्ट टाइम बायर हूँ तो क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जो मुझे ध्यान में रखने चाहिए? अब उसमें आप ये देखिए, गिटार के अलग अलग साइजेस होते हैं। आजकल तो 34 inches के गिटार भी बहुत बिक रहे हैं, या फिर 38 inches भी बहुत बिक रहे हैं। ये इंचेस ये वाली साइज होती है, ये इंचेस ये इनकी ऊंचाई होती है। अच्छा, ये लेफ्ट। और फिर ये देखा जाता है कि जैसे ये अपन 39 inches गिटार है, फिर 41 inches में आपको ड्रेडनॉट मिल जाता है, 40 inches का कॉन्सर्ट मिल जाता है, ऑडिटोरियम साइज गिटार हो जाते हैं। वो साइजेस इसलिए हैं, वो उनका साउंड भी अलग अलग प्रोड्यूस होता है। लेकिन इनिशियल पे अपन, चूंकि अभी आप इनिशियल पे साल दो साल अगर आप सीखोगे तो आप फिंगर प्रैक्टिस करोगे, आपको साउंड का इतना परफेक्ट नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको चाहिए कि पिच क्या चीज़ है, आपको किस टोन के ऊपर आप गिटार बजाना चाह रहे हो, तो उस टाइप के आप देखते हो। अगर मैं इनिशियल पे आपको बोलूँ, मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँगा कि अगर पहले तो आप देखिए कि आपका साइज़ क्या है। अगर आप बहुत हेल्दी हो और आपने ड्रेडनॉट पकड़ लिया तो नहीं होगा। अगर आप स्लिम ट्रिम हैं और हाइट कम है फिर आपने ड्रेडनॉट पकड़ लिया तो भी नहीं होगा। और आज अच्छा ड्रेडनॉट साइज, ये ड्रेडनॉट, हाँ ये जो फेंडर का गिटार लगा हुआ है ये ड्रेडनॉट साइज है, और आपको देखने पता लग जाएगा ये मैंने पकड़ रखा है। अच्छा, गिटार आप जब भी कहीं पर भी किसी भी स्टोर पे जाओ या कुछ भी करो, ये गिटार के अंदर ये की शेप मिलेगा आपको। आप गिटार को सीधा यहाँ रखो, आपका हाथ यहाँ जा रहा है, हाथ कंफर्टेबल है, आप ये चेक करो,
इट इज ओके फॉर यू. ठीक है, तो बेसिकली पहले खुद का फिजिकल अपीयरेंस आपका क्या है उसके हिसाब से कंफर्टेबल. तो उसमें वो है कि वो ऑप्शन जो है आपके पास सिर्फ ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट ऑनलाइन में यू शुड चेक कि उसका साइज कितने इंचेस का है और वो क्या सीन है. दूसरा, मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि आजकल ऑनलाइन में प्लास्टिक फ्रेटबोर्ड के गिटार्स भी मिल रहे हैं जो अनरिपेयरेबल होते हैं हमारे लिए. हम उनको उसमें वो ट्रस्ट रॉड वाला ही सिस्टम है जिसमें ट्रस्ट रॉड नहीं होती. पैर क्यों जरूरत पड़ती है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने गिटार को पूरा ट्यून करके छोड़ा हुआ है और हर बार ट्यून ही किए जा रहे हैं तो यहाँ पर एक स्लोप क्रिएट हो जाता है या फिर ये ब्रिज ऊपर आ जाता है, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं. या फिर आप ना स्ट्रिंग टाइमली नहीं करा रहे हो, आप बजा तो रहे हो लेकिन आप हर 6 महीने से 3 महीने से स्ट्रिंग सेट चेंज नहीं करा रहे हो और उसके अंदर डेड होता जा रहा है साउंड, आप उसको कसते जा रहे हो, तो ये इश्यूज हो जाते हैं गिटार में. इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि जिस तरीके से अपन अलग अलग चीज़ों को सर्विस कराते हैं तो हर स्टोर आपको सर्विस की फैसिलिटी देता है. आप वहाँ जाइए, आपका गिटार चेक कराइए, वेदर आपने उसको मतलब आपने मान लीजिए ऑनलाइन लिया है ऑफलाइन लिया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ आपने लिया है. कितने टाइम में ये सर्विस होनी चाहिए? 3 से 4 महीने में आपको एक बार. अगर आप रेगुलर गिटार बजा रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 महीने में आपको स्ट्रिंग भी चेंज करानी चाहिए और एक सर्विस करा लेनी चाहिए. जैसे एक मॉडल अभी पॉपुलर है यामाहा 280, यामाहा मिल गया 7,000 की रेंज में मिल गया, वाओ बहुत अच्छी बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया. लेकिन मेंटेनेंस किया आपने नहीं, जानते हो आप, आपके बॉडी के उसके हिसाब से है वो पता, फिर वही 3-6 महीने वो गिटार भी एक तरीके से आपका सही नहीं है. फिर आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, यहाँ पर स्टोर कीपर का रोल होता है, यहाँ पर आपके जो फ्रेंड्स पहले से गिटार बजा रहे होते हैं उनका रोल होता है, वो आपको सजेस्ट करेंगे जी आप देखो अपनी कंफर्ट के हिसाब से लो, अपनी पॉकेट फ्रेंडली गिटार लो, जब आगे जाके चेंज करने में आपको इशू नहीं है. अभी मैं आपको 15-20 हज़ार का गिटार बेच दूँ फिर उसके बाद आप कहेंगे यार अभी तो मैंने 15-20, लेकिन वो आपके साउंड के वॉइस के हिसाब से नहीं जा रहा है. एक ये तो खरीदने वाली बात होगी. दूसरा, मेंटेनेंस पार्ट आपको मैंने आपको बताई दिया, आपको करवाना ही है, एनी हाउ आपको मेंटेनेंस करवाना ही है. तीसरा, आपको रीस्ट्रिंग कब कराएं? अगर आप, मैं कहता हूँ आप 1 घंटा अगर आप डेली गिटार बजा रहे हो या 1.5 घंटा आप डेली गिटार बजा रहे हो, 3 महीने में आपको स्ट्रिंग सेट चेंज करा लेना है. अगर आप आधा घंटा गिटार को दे रहे हो तो आप आराम से 6 महीने चला लो अपने स्ट्रिंग को. दूसरा, इसमें क्राइटेरिया काम करता है कि अगर आपने गिटार, वेदर अपने आप ही चेंज होता ही है, बरसात पूरी निकल गई, आपको पता है बरसात के अंदर मॉइस्चर रहेगा तो आपको वो स्ट्रिंग रीस्ट्रिंग वापस कराना है. मतलब मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. डजंट मैटर आप कौन सा ब्रांड ले रहे हो, अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो तो अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा गिटार भी आपका खराब हो सकता है. अभी जैसे मेरे पास, मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास एक रॉक्स का गिटार है, मात्र उस टाइम पे वो 4,000 रुपये का आया करता था, आज तक उसमें कोई बैंड नहीं है. क्योंकि मुझे मेंटेन करना आता है, मैं प्रॉपर उसकी ऑयलिंग और कंडीशनिंग करके रखता हूँ, अपने स्ट्रिंग्स को एक स्टेप नीचे जब भी छोड़ता हूँ लूज करके छोड़ता हूँ. तो ये थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें आपको जो भी स्टोर कीपर देता है गिटार वो आपको बताता है. और मैं आपके व्यूअर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर स्टोर कीपर नहीं भी बता पाए ना तो प्लीज़ इस बात को रट लीजिए कि स्ट्रिंग को लूज करके ही रखना है गिटार में. ठीक है, तो आई रियली होप कि आज के इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हुई होगी कि गिटार परचेज करते टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहला आपका बजट, कि आप कितने तक का परचेजिंग पावर रख रहे हैं, आप 3,000, 4,000, 5,000 कितना स्पेंड करना चाहते हैं. मेरी हमेशा से सोच ये रही थी कि अगर आप 5 से 7 हज़ार की रेंज रखते हैं तो यू विल गेट अ गुड गिटार, बट जैसा कि जो एक्सपर्ट्स हैं जो ये काम पिछले 20 सालों से 22 सालों से कर रहे हैं वो ये मानते हैं कि नहीं, ठीक है 2,000-3,000 तक की रेंज में भी अच्छे गिटार हो सकते हैं अगर आप उनको सही से चेक करके लें. अब चेक करने की बात ये आती है कि भाई सर हम तो बिगिनर, हम कैसे करेंगे? देखिए, एटलीस्ट यू शुड गो टू अ स्टोर, यू शुड होल्ड द गिटार. अभी तक मैंने गिटार बजाया नहीं है लेकिन जब मैंने होल्ड किया तो आई कैन फील द कम्फर्ट. तो पहला तो पॉजिटिविटी वहीं आपको मिल जाती है. तो पहली चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है साइज, दूसरी चीज़ आपका बजट, और तीसरा जो है वो मेंटेनेंस, कि आप चाहे 3,000 का गिटार खरीदें चाहे 30,000 का गिटार खरीदें, अगर आपकी मेंटेनेंस सही नहीं है, आप हर 3 से 4 महीने में स्ट्रिंग्स नहीं चेंज करा रहे हैं, गिटार की सफाई नहीं करा रहे हैं, तो मतलब आपका गिटार बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है. आई रियली होप कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू ऋषि भैया आपके, तो इनके एक्सपर्ट ओपिनियन की वजह से आज हमें लगता है कि थोड़ी सी तो क्लैरिटी और बढ़ी होगी गिटार परचेजिंग को लेके. बाकी आज हमने किसी पर्टिकुलर ब्रांड या मॉडल को प्रमोट नहीं किया है कि ये वाला गिटार अच्छा है ये नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर उस सीरीज में जाते हैं 8,000 से ऊपर जाते हैं, फिर सारे ब्रांड्स अपनी अपनी USP लेके चलते हैं. तो इट्स अप टू यू व्हाट फिट्स फॉर यू. तो एक बार कोशिश कीजिए, प्रायोरिटाइज यही कीजिए कि आप स्टोर पे जाएं और चेक करें एंड देन यू शुड परचेज इट. आई रियली होप कि आज का ये जो स्पेशल वीडियो था जो हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखा था आउटडोर फील्ड ट्रिप, आपको अच्छी लगी होगी. अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो. बाकी
अगर सीखने वाली बात है तो उसके लिए फ्रंट रो हमेशा आपके साथ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा।